नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार SHO कालका। हरिराम ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने और उनकी टीम ने उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार कालका मेल से लेकर परमाणु बैरियर तक, वहां से कालका रेलवे स्टेशन तक और आसपास के गांवों में फ्लैग मार्च निकाला। SHO हरिराम ने बताया, फ्लैग मार्च निकालने का उद्देश्य है कि कल होली का त्योहार है, कालका वासी होली का त्योहार बड़े प्यार में अच्छे से बना सके। ललित समाचार के लिए पत्रकार अख्तर फारूकी व अजीत सिंह की रिपोर्ट। सबसे पहले तो SHO कालका की तरफ से व मेरे स्टाफ की तरफ से कालका वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मेरे अफसरान बाला के आदेश अनुसार, CP साहब, DCP मैडम के आदेश अनुसार हमने आज ये फ्लैग मार्च निकाला है। ये मील चुंगी से लेके और इधर परमाणु बैरियर तक और इधर जाएगा ये रेलवे स्टेशन की तरफ और देहात में गांव में भी हम ये फ्लैग मार्च निकालेंगे। फ्लैग मार्च का मेन उद्देश्य यह है कि कल होली का त्यौहार है, कालकावासी अपना होली का त्यौहार बड़े प्यार से अच्छे से मनाएं, किसी प्रकार का कोई गैर कानूनी कार्य ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। मैं कालकावासियों से एक अपील करूँगा कि होली का त्यौहार अपने घरों में रहकर ही प्यार प्रेम से मनाएं, किसी प्रकार का नशे का सेवन ना करें, गैर कानूनी कार्य ना करें। हमने अफसरों के आदेश अनुसार शहर में कई जगह नाके लगाए हैं जहां पर व्हीकलों की चेकिंग होगी। कुछ शरारती तत्व व्हीकलों के साइलेंसर वगैरह उतार कर मोटरसाइकिलों के हुलड़बाजी करते हैं, खासकर उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके व्हीकलों को इम्पाउंड भी करेंगे और शराब पिए हुए चालकों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। मेरी उन्हें कालकावासियों से अपील है कि किसी भी महिलाओं के साथ कोई बदतमीजी ना करें, किसी गैर कानूनी कार्य को अंजाम ना दें, नहीं तो पुलिस प्रशासन उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगा।